हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूं, पटना बिहार। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो कि है हार्ट अटैक से रिलेटेड। जी फ्रेंड्स, आप लोग वीडियोस में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, कई फिल्म स्टार, कई सेलिब्रिटीज़ जो कि काफ़ी यंग, और उनको हार्ट अटैक आ गया और कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई। काफ़ी थोड़े दिन पहले भी न्यूज़ में था, बहुत सारे लोग ऐसे अब हैं जो अर्ली एज में हार्ट अटैक। लेकिन हम सब जानते हैं कि हार्ट अटैक आने के बाद तो इलाज है, अगर समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाए तो। लेकिन हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम इसको बचा कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को हार्ट अटैक से कैसे सेव कर सकते हैं? इसका सबसे आसान तरीका एक ही है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते। हार्ट अटैक होता क्यों है? हार्ट अटैक इसलिए होता है जब आपकी हार्ट की नस में, जो नस आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ब्लड देती है, जिससे आपका हार्ट पंप होता है, उस नसों में अगर किसी प्रकार की चीज़ें जमा हो जाती हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल या फैट या कैल्शियम या प्लेक्स, जो भी आप कह लें, उसके वजह से ये जो इतनी मोटी अगर नस है तो जमा होने से इतनी पतली हो जाती है, तो इसमें से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और ब्लड को जब ब्लड कम मिलता है तो ऑक्सीजन कम मिलता है, और ऑक्सीजन कम मिलने के कारण ब्लड को उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। और फाइनली वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के, मतलब एक घोड़ा तेज़ी से दौड़ रहा है और अचानक से दौड़ते 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 थक जाता है और थकने के बाद बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार से हार्ट अटैक होता है, जब उसके ऊपर लोड पड़ता है, लोड पड़ते 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 फाइनली हार्ट सडनली शटडाउन हो जाता है। तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं, इस शटडाउन को कैसे रोक सकते हैं, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है दोस्तों, ये प्रोसेस काफ़ी समय से चलता आ रहा है। मतलब ये नहीं कि एक दिन में आपके नस के अंदर जो है अचानक से जमा हो गया कुछ भी, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस काफ़ी लंबे टाइम से होता है, एक साल नहीं, दो साल नहीं, दसों साल लगते हैं, ठीक है। लेकिन हम खुद इस पे ध्यान नहीं देते हैं, हम जो दिल करता है खाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ठीक है, प्लस फैमिली हिस्ट्री का भी कुछ है, प्लस फिजिकल स्ट्रेस है, प्लस मेंटल स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होती हैं, जिसके कारण कि हार्ट की प्रॉब्लम्स या हार्ट के बीमारियां हो सकती हैं। अब फाइनली मैं आता हूँ टॉपिक पे कि इसको प्रिवेंट कैसे करें। देखिए, मैं जो समझता हूँ मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से, बीइंग एन इंडियन एंड इट्स माय ड्यूटी कि मैं नेशन को सर्व करूँ, मुझे लगता है कि हम में एक प्रॉब्लम है। हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हमें तकलीफ हो जाती है, लेकिन अगर हम उस तकलीफ से पहले साल में एक बार, फ्रेंड्स बस एक बार, आप कोई डेट सेट कर लीजिए, चाहे आपकी बर्थडे, चाहे आपकी एनिवर्सरी, और कोई भी मंथ का एक दिन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, एनीथिंग, एनी हॉलीडे, आप एक डेट सेट कर लीजिए और आप ये तय कीजिए कि उस दिन आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना हार्ट का चेकअप कराएंगे। एक नॉर्मल चेकअप जिसमें कि कुछ प्रकार के टेस्ट होते हैं, आपका ECG होता है, TMT होता है, ECO होता है, लिपिड प्रोफाइल होती है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं। साल में एक बार दोस्तों, अगर आप साल में हर साल चेक कराएंगे ना, तो आप आने वाली चीज़ को पहले ही रोक लेंगे और आप शायद हार्ट अटैक से भी बच जाएं। आपके खान पान को चेंज करके आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं, हो सकता है मेडिसिन शुरू करना पड़े, उससे आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉमन फॉल्ट है हम लोगों में कि हम अपने ही ऊपर ध्यान नहीं देते, हम कभी नहीं जाते हैं अपना हार्ट का चेक कराने। और हार्ट का चेकअप क्यों ज़रूरी है, आप बात को समझ लीजिए। हार्ट एक ऐसा चीज़ है ना, इट्स नॉट लाइक किडनी। किडनी डैमेज होती है तो इंसान एक दिन में नहीं मरता है, लीवर डैमेज होता है तो इंसान एक दिन में नहीं मरता है, आपकी इंटेस्टाइन्स में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आदमी एक दिन में नहीं मरता है, अगर आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो रेयरली शायद एक दिन, लेकिन यूजुअली एक दिन में नहीं मरता है। लेकिन हार्ट अटैक आपको खड़े खड़े भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, और एक मिनट के अंदर स्टोरी क्लोज हो सकती है, गेम ओवर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मेरी इस बात को प्लीज़ ध्यान दें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि साल में एक बार, प्लीज़ एक बार अपना चेकअप ज़रूर कराएं, अपने कार्डियक हेल्थ का चेकअप ज़रूर कराएं, और आने वाली चीज़ों को रोक सकें, ताकि आपके ऊपर इकोनॉमिकल बर्डन भी कम होगा, आपका मेंटल बर्डन भी कम होगा, और आप स्वस्थ भी रहेंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था। हमारे और भी वीडियोज़ हैं जिसमें मैं लोगों को अवेयर करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए हमारे एक यूट्यूब पेज डॉक्टर अदनान इमाम है, उसको फॉलो करें, हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर शफीक मेमोरियल क्लिनिक के नाम से, उसको फॉलो करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। सो हमें सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि कभी भी हम नया वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, जय हिंद।